नमस्कार किसान भाइयों, मैं हरिओम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल खेती जानकारी में। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं धान की फसल में हमें पहली यूरिया कब देनी है और हमें कितनी मात्रा में यूरिया देनी है और यूरिया के साथ हमें क्या मिलाकर छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो किसान भाइयों, हमें पहली यूरिया 16 से 20 दिन के बीच में दे देनी है। हमें यूरिया 50 किलो लेनी है, 50 किलो प्रति एकड़। और हमें यूरिया के साथ हमें जो है डुपॉन्ट का फटेरा प्रयोग करना है। किसान भाइयों, जहां दीमक की समस्या रहती है, कई किसान भाई दीमक की दवाई लगाकर परेशान हो जाते हैं, फिप्रोनिल या फिर रिजेंट, और दवाई हमारा कोई रिजल्ट नहीं देती है, तो कृपया करके आप पहली यूरिया के साथ ड्यूपेंट का फटेरा प्रयोग कर लें। सबसे बेस्ट दवाई है दीमक के लिए, और जहां पर तना छेदक की समस्या रहती है वहां के लिए ये कारगर दवाई है। तो किसान भाइयों, हमें फटेरा जो है 4 किलो प्रति एकड़ का प्रयोग करना है और 50 किलो प्रति एकड़ यूरिया हमें दोनों को मिलाकर छिड़काव कर देना। छिड़काव करके हमें 5 से 7 दिन तक पानी खेत में खड़ा रखना है, जिससे हमारी दवाई 100% रिजल्ट दे पाएगी। किसान भाइयों, महत्वपूर्ण बात याद रखें कि फटेरा आपको फसल में धान की फसल में एक ही बार प्रयोग करना है, इसके बाद फटेरा का प्रयोग ना करें। और किसान भाइयों, आप महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि धान में जो है धान लगाने के 30 दिन के बाद फटेरा का प्रयोग ना करें, 30 दिन के अंदर ही प्रयोग कर लें इसे। इसके बाद आप फटेरा का प्रयोग करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो किसान भाइयों, जहां दीमक की समस्या रहती है तो वहां के लिए फटेरा 100% कामयाब है। मैं कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको सही चीज़ ही बता रहा हूं। कई किसान भाई जो है यूरिया लगाते हैं, यूरिया के साथ आप फटेरा दे सकते हैं और ये 100% रिजल्ट आपको देगा। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, अगर आपके फसल में खरपतवार हो गए हैं तो आपको 5 दिन तक कोई भी स्प्रे नहीं करना है घास की। और महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों याद रखनी है आपको, अगर कोई आपके में कीट लग रहे हैं कीट, तो आपको जो है 40 दिन तक कोई स्प्रे नहीं करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे किसान भाई हमारे याद रखें। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास भी कोई अच्छा सुझाव हो इससे तो हमें कमेंट करिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय किसान।